हाय दोस्तों, मैं हूँ विजय वर्मा और मेक एंड क्रिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने ये डिसाइड किया था कि इस वीडियो में हम एक 2D कार रेसिंग गेम बनाएंगे, तो चलिए अब हम उसे बनाते हैं। सबसे पहले आप अपना यूनिटी ओपन कर लीजिए। ये देखिए, मैंने यूनिटी ओपन कर दिया है। अब हमें न्यू पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप प्रोजेक्ट का नाम दे दीजिए। जो भी नाम आपका अच्छा लगता हो वो आप अपने प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पर हमें उसका लोकेशन चुनना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्लिक कीजिए और सेलेक्ट फोल्डर पर क्लिक कर दीजिए। चूँकि हम अपना गेम 2D गेम बना रहे हैं तो हम 2D पर क्लिक करेंगे और एड एसेट पैकेज, ये देखिए, इन्हें हमें खाली छोड़ देना है और डन पर क्लिक करना है। अब हमें क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। ये देखिए, अब ये अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा है। तो हो सकता है ये ओपन होने में कुछ देर हो। ये देखिए, होल्ड ऑन हो रहा है। ये देखिए, अब ये ओपन हो गया है। आई एम सॉरी, मैं इसे नॉर्मल कर देता हूँ। तो दोस्तों, ये देखिए, हमारा ये ओपन हो गया है। अब आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और 2x3 पर क्लिक कीजिए। हमने इसे यहाँ पर ला दिया है। अब हम इसे कैसे भी बना सकते हैं। अब अपने मन से इसे सजा सकते हैं। ये देखिए, मैं प्रोजेक्ट को RRC के अंदर डाल देता हूँ। अब मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये देखिए, और मैं इसे भी थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अगर आपको जूम इन करना नहीं आता, पहले आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और प्लस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर लेवल में एंड्रॉयड लिख दीजिए और यहाँ पर 480x800 कर दीजिए। अब ओके पर क्लिक कीजिए। ये देखिए, हमारा ये एंड्रॉयड के लिए तैयार होगा गेम। आप अल्ट राइट क्लिक करके आप जूम इन कर सकते हैं। अगर आपको जूम इन करना नहीं आता तो आप अल्ट राइट क्लिक करके जूम इन कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें एसेट्स में 3 फोल्डर्स बनाने हैं, तो राइट क्लिक कीजिए, क्रिएट, एक फोल्डर क्रिएट कीजिए जिसका नाम होगा स्क्रिप्ट्स। एक और फोल्डर क्रिएट कीजिए, नाम होगा सीन्स। आप एक और फोल्डर क्रिएट कीजिए जिसका कि नाम होगा स्प्राइट्स। ये देखिए, अब हमारे तीनों फोल्डर बन गए। मैं इसे छोटा करके दिखा देता हूँ, सीन्स, स्क्रिप्ट्स और स्प्राइट्स। ये देखिए, अब हम इसमें वर्क करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो अब हम क्या करना है कि आप फाइल पे जाइए और सेव सीन पर क्लिक कर दीजिए और आप अपने सीन का नाम दे दीजिए रेसिंग सीन। अब आप सीन्स के अंदर इसे सेव कर लीजिए। ये देखिए, तो अगर आप यहाँ पर सीन्स के अंदर जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारा रेसिंग सीन यहाँ पर आ गया है जो कि हमने सेव किया था। ये हमारा स्प्राइट्स, हमारा स्क्रिप्ट, सीन्स। अब हमारे ये तीनों वर्क करने के लिए
तैयार हो गए हैं, तो आप इसमें कुछ भी वर्क कर सकते हैं। और यहाँ पर मेन कैमरा पहले से है। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि हम स्प्राइट्स के अंदर एक कार स्प्राइट कैसे लाते हैं और कार और ट्रैक कैसे ऐड करते हैं। तो आप इसे सेव कर लीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।